बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे चिकन अफ़गानी कढ़ाई। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मेरीनेट करेंगे। 300 ग्राम चिकन, हसबे जायका नमक और एक नींबू का रस लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इससे चिकन बहुत जूसी और टेंडर हो जाएगा। अब हम इसकी मैरिनेशन की तैयारी करते हैं। दो दरमियाने साइज़ की प्याज को बड़े टुकड़ों में काट लिया है। 8 से 10 हरी मिर्च, धनिया पुदीना। अब इन तमाम मसालों को ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे, बारीक पेस्ट बना लेंगे इसका। ये देखिए इसका फाइन पेस्ट बना लिया है। अब इसे चिकन में डाल देंगे और इसी ग्राइंडर में अब 1/2 कप दही ऐड करेंगे और 3 टेबलस्पून क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम ना हो तो आप मलाई ऐड कर दीजिएगा। अब इसे भी ग्राइंडर में डाल के घुमा लेंगे। ये देखिए अब ये भी चिकन में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह मैरिनेट कर लेंगे। अब इसमें खुश्क मसाले ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 कसूरी मेथी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, अब इसे मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। व्यूअर्स, आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अब एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अब इसमें हम अपने चिकन फ्राई कर लेंगे, मैरिनेटेड चिकन को फ्राई करेंगे। जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इतना फ्राई करना है कि इसके दोनों तरफ लाइट ब्राउन कलर आ जाए। ये देखिए एक तरफ कलर आ चुका है, इसी तरीके से दूसरी तरफ भी कलर देंगे। ये देखिए कितना बेहतरीन कलर आ चुका है। अब हम इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे।
इसी ऑयल में हम अपना मैरिनेशन डाल देंगे सारा। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए और तेल ऊपर आ जाए। ये देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें अपनी फ्राई की हुई चिकन ऐड करेंगे। एक दरमियाने साइज़ की हरी मिर्च काट के ऐड कर देंगे इसमें और 5 से 7 मिनट के लिए इसे ढक के दम पे रख देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह गल जाए। ये देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। चिकन अफगानी कढ़ाई तैयार है। इसी तरह की मज़े मज़े की और रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब इसमें कोयले का धुआं दे देंगे। ये देखिए चिकन अफगानी कढ़ाई तैयार है। हरे धनिए से सर्व कर देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिएगा, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।